सीधे बैठ, तेल पूरा गिर रहा है। कैसे रहा तू इतने दिन वहां? कुछ बताएगा भी? कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना तुझे? और उनकी दादी माँ तो कोई हॉरर मूवी की हीरोइन से कम नहीं लगती थी ना भैया, आपको उनसे डर नहीं लगता था? पूछ मत, कितनी डरावनी है वो। पता है, हम सब बहुत खुश है कि आप घर वापस आ गए। भाभी, मैं भी बहुत खुश हूँ। वो क्या है कि जब नींद आ रही है लक्ष्य, तुझे 10 बजे कब से नींद आने लग गई? हाँ भैया, वहां पे सारे 10 बजे तक सो जाते हैं, उनके साथ रहते रहते मुझे भी जल्दी सोने की आदत हो गई है। तो तू सो जा, हम सुबह बात करेंगे, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। चलो भैया, तू ठीक है ना? अरे मुझे क्या होगा, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बस थोड़ी नींद आ रही। कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही थी। ओ हेलो, चिल्लाओ मत, समझी ना, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या? तुमने ही कहा था ना कि पापा की बात मान लो, उनके पैर छू के माफी मांग लो। क्या? मैंने कब कहा ये सब? कुछ नहीं, छोड़ो। मैं घर पे आया तो सबने मुझे यहीं रोक लिया, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। तुम वहां पूजा वगैरह सब संभाल लेना। हेलो मिस्टर लक्ष, पूजा शुरू होगी तब संभालूंगी ना। क्यों, ओमी ने मंत्र नहीं दिया? नहीं। क्या? तभी तो मैं तुम्हें बार बार कॉल कर रही थी। सिर्फ 2 घंटे बाकी है 12 बजने में। ओके, मैं भी आया। यार इस वक्त तो काका चक्कर लगा रहे होंगे, अब ये ताला कैसे खोलूं? लक्ष्य तू इतनी रात? हाँ पक्का भैया, आखिरी बार है, आप दुनिया के बेस्ट भाई हो। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, ठीक है? बाय, थैंक यू लक्ष्य। लेकिन तू का लक्ष्य, तूने इतनी रात को फिर से क्यों बुलाया हमें? पागल हो गया क्या? अबे कठो, 10:30 बज गए हैं, अभी तक मंत्र क्यों नहीं भेजा उन्हें? ओह हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, ये मंत्र मतलब हम जेब में लेके नहीं घूमते। हाँ, और ये पूजा पाठ वाले परिवार से ना तू है, हम नहीं। तुम कहाँ से लाए ये मंत्र मंत्र? और क्या, अबे इंटरनेट बाबा नाम की भी तो चीज होती है। Hey guys, इसमें से डाउनलोड करके कुछ भी सुना दे गधे। ये तू ही कर सकता है, कर सकते हैं। हाँ। मिल गया। लक्ष्य का फोन आ गया। लक्ष्य का फोन हर वक्त थारे को ही आता है। अरे और उसका भी तो नंबर है वाके पास, हम लोगों की याद ना आती वाके को। हेलो हेलो। हाँ लक्ष्य,
लक्ष्य कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। पर स्वरा मुझे तो तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। हेलो, आई थिंक यहाँ नेटवर्क इश्यू है। एक सेकेंड। हेलो हेलो, क्या कर रहे हो लक्ष्य? सब वेट करे तुम्हारा, सब कुछ शक हो रहा है। अच्छा ठीक है, डांटो मत और मंत्र सुनो। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम गरुड़ ध्वजा। ये शादी का मंत्र है इडियट। अरे तो क्या फर्क पड़ता है, कौन सा किसी को पता चलने वाला है। ओ हेलो, तुम पागल हो क्या? माँ बाबा दीदा दादी सब लोग पूजा पाठ वाले लोग हैं, ये सारे बेसिक मंत्र उनका आते हैं। हमें कोई ऐसा मंत्र ढूंढना होगा जो इन्हें ओरिजिनल लगे, समझे? वरना खामखा पकड़े जाएंगे। अब यार मैं ऐसा मंत्र कहाँ से लाऊं? कहीं से नहीं, तुम बस अपना फोन अपने पास रखना और मैं जब भी फोन करूँ ना उठा लेना, ठीक है? बाकी सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगी। ठीक है, बाय। अरे बाप रे बाप, अरे पार्वती, बाड़ा बजने वाला है। अभी तक आचार्य जी का कोई फोन तो नहीं आया? पता नहीं शोभा, कहीं इसी वजह से कोई अपशकुन ना हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, कुछ नहीं होगा। पता नहीं ये स्वरा कहाँ चली गई, काफी टाइम हो गया उसे गए हुए। माँ, वो आचार्य जी ध्यान में बैठे इसलिए उनसे मंत्र नहीं मिल पाया। ऐसे उनका ध्यान खत्म होगा ना, लक्ष्य हमारी उनसे बात करवा देगा। सब बहुत थक गए होंगे ना, खाना खाए भी कितना टाइम हो गया। मैं एक काम करती हूँ, मैं सबके लिए दूध लेकर आती हूँ। महामृत्युंजय जाप, करेक्ट, इसमें से मुझे मंत्र मिल जाएगा। रागिनी बेटा जाओ जरा, देखो स्वरा को तुम्हारी मदद की जरूरत है क्या। जी पापा। क्या माम मृत्युंजय जाप? अरे पर वो तो किसी के मरने पे यूज होता है। मैंने सब पढ़ लिया, ठीक है, ये महामृत्युंजय जाप ही हमारे लिए परफेक्ट है। अब तुम जल्दी से इसे लिखो, फिर माँ को फोन करके कहो कि तुम्हें मंत्र मिल गया, ठीक है? अरे मेरी क्या जरूरत है यार, एक काम करो तुम ही जाके सबको बता दो कि आचार्य जी ने मंत्र दे दिया। लक्ष्य मेरे साथ में बहानेबाजी मत करो, मेरी हेल्प करनी है तो करो वरना मैं खुद मैनेज कर लूंगी। अच्छा ठीक है बताओ। लिखो, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर मुक्षि मामृतात् नमो नमः। क्या 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 क्या? ओ हेलो, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, थोड़ा आराम आराम से बताओ। फिर से धीरे धीरे बोल रही हूँ, जल्दी से लिखो। ओमी पेन और पेपर दे। Finally, हो गया। अब तुम जल्दी से अपने उस आचार्य को ट्रेन करो और फिर कॉन्फ्रेंस कॉल करो, ठीक है? ओके बाय। ओके बाय। ऐसे क्या देख, बताइए ना, पिछले कुछ दिनों में क्या भाई साहब के साथ कुछ घटा है? कोई उनसे मिला हो या किसी ने उनसे कुछ कहा हो, भाई साहब ने कुछ अजीब सा बर्ताव किया हो, कुछ हुआ है कि? थारे को काई करना है सब बातें जान के सुजाता, तोड़नी। क्योंकि मरने पूरा विश्वास है कि भाई साहब के साथ कुछ तो हुआ है, क्योंकि भाई साहब बिना किसी कारण के ना लक्ष्य को घर में वापस कभी ना आने देते। अब इतने सालों में भाई साहब को मैं इतना तो जान ही गई हूँ कि भाई साहब के लिए उनके आदर्शों और उसूलों से बढ़कर और कुछ ना है। थोड़ा जोर लगाओ ना दिमाग पे, सोचो ना जरा।
अरे हाँ, भाईसा से वो पार्वती जी मिलने आई थी। कौन पार्वती? अरे वही पार्वती गड़ोदिया की लुगाई, रागिनी की दादी, वो मिलने आई थी भाईसा से। तीजी आई थी भाईसा से मिलने? कब कहा? अरे एक दिन मैं और भाईसा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो भाईसा को कोई फोन आया कि वो मिलना चाहता है, तो भाईसा मारे को बोले कि तू चला जा ऑफिस, मैं बाद में आ जाऊंगा। भाईसा को मैंने परेशान देखा तो मार को कुछ और लगा। मैंने वापस आकर देखा कि कोई और बात तो नहीं है, और तब मैंने नमस्ते माहेश्वरी जी। और फिर उसके बाद मैं अपने कामकाज में इतना बिजी हो गया कि मैं पूछना भूल ही गया कि काई बात थी, किसका फोन था, किससे मिले थे। पर इतना पक्का है कि पार्वती जी उनसे मिलने आई थी। तुम्हारा शक सही था। रागिनी प्लीज मेरी बात सुन लो। स्वरा, इतने दिनों से तुम और लक्ष्य हमारे पीठ पीछे ये नाटक करते रहे और तुमने हमें ये बताया भी नहीं। मैंने जानबूझ के नहीं बताया था रागिनी, और अगर आज तुम मुझे नहीं पकड़ती तो शायद कभी नहीं बताती, क्योंकि मैं तुमसे चीजें छुपा सकती हूँ, झूठ नहीं बोल सकती। प्लीज यकीन करो मेरा, प्लीज। क्या यकीन करे तुम्हारा स्वरा? कैसे यकीन कर ले कि हमारी दादी माँ इस रिश्ते से खुश नहीं, वो इस रिश्ते के खिलाफ है, इस रिश्ते को तोड़ना चाहती है। स्वरा, और अगर ये सच भी हुआ तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्यों हमारे पीछे ये साजिश करती रही? शेखर स्वामी नीचे गया सामान लाने के लिए, अभी तक नहीं आया। क्या देख रही है शोभा? लगता है अवन का लकड़ी थोड़ा कम है। कहाँ कम है, बिल्कुल ठीक है। और तू ये हवन कुंड का ये सब छोड़, दान सामग्री जरा देख, जा देख जरा पूरी है कि नहीं। अरे बाप, अरे ये क्या है? अरे देख, तू इतनी परेशान क्यों हो गई? क्योंकि मैं बिना प्रूफ के तुम्हें कुछ भी बताना नहीं चाहती थी रागिनी। मैं जानती थी कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगी। रागिनी, मैं तुम्हारी बहन हूं, तुम मुझ पर इतना तो भरोसा कर सकती हो ना कि मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगी। प्लीज मेरा इस बार साथ दे दो, प्लीज। कैसे साथ दे तुम्हारा स्वरा? हमारी दादी माँ के खिलाफ जाकर तुम्हारा साथ दे स्वरा, तुम ऐसा सोच भी कैसे? प्लीज शांत हो जाओ रागिनी, प्लीज, और मेरी बात पे भरोसा कर लो प्लीज। क्या है ये? ओ मुनी पड़े छे, इतना ससुर का था ना? हाँ, ओ को लाइटर इधर में रख देता है। हाँ तो वो इधर कैसा आ गया? छोटू, अरे बाप, ये जल्दी आओ ऊपर। ये लड़का ना हमारे को पागल करके रख देगा शोभा। जो सामान बोलो शोभा वो लाके नहीं देता कुछ भी। ये यहाँ लाने की चीज है बता। अरे छोड़ देना, उसका ना ध्यान अभी वो काम में ज्यादा नहीं है, वो जो सीरियल चलता है ना टीवी में उसमें ध्यान ज्यादा है। छोड़ दे। सोरा, हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए कि हम अपने परिवार के खिलाफ जाकर कोई भी कदम उठाएं। हम अपने बड़ों पर शक करें, उनके उनके खिलाफ जाकर कोई कदम उठाए। रागिनी, इसमें कुछ गलत नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ सच बाहर आएगा। बस स्वरा, हमें कोई सच झूठ नहीं जानना। हम तुम्हारा ये नाटक सबको बता दें। रागिनी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम्हें मेरी कसम, कुछ नहीं करोगे तुम ऐसा। नहीं, तुम ये सच किसी को नहीं बताओगे। ठीक है, नहीं बताते किसी को, पर इसमें हम तुम्हारा साथ भी नहीं देंगे, क्योंकि स्वरा हमें पूरा भरोसा है।
तुम गलत साबित होने वाली हो। मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं गलत साबित हो जाऊं। अब तो लक्ष्मी से भी नाराज है, वो भी हमें बिना बताए तुम्हारे साथ शामिल हो गए। वो तो हमारे होने वाली नहीं। आज जब तुम्हें सब कुछ पता चल गया तो मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहती हूँ। ये बात लक्ष्य के बारे में है, I'm sure इस बात को जानने के बाद तुम्हें मेरी दादी वाली बात पे भरोसा आ जाए। तुम्हें पता है दादी ने तुमसे एक और बहुत बड़ा झूठ बोला है, धोखा दिया है तुम्हें। तुम्हें याद है उस दिन लक्ष्य ने तुमसे कहा था कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता। याद है हमें, और हमें उस बारे में बात नहीं करनी करनी पड़ेगी रागिनी, तुम्हें सुनना होगा। क्योंकि उस दिन लक्ष्य के जाने के बाद दादी ने तुमसे जो भी कहा वो सब झूठ था। दादी ने लक्ष्य की सारी बातें बदल दी, जबकि लक्ष्य का वैसा कोई मतलब ही नहीं था। नहीं सूरत, तुम क्या बात कर रही हो? तुम हमें कुछ नहीं सुनना, कुछ भी। एक सेकेंड ना, उम्मीद अब तक तो इसे याद करो। हाँ जरा लक्ष्य, तुम उस दिन रागिनी से कुछ कहना चाहते थे ना किचन में, प्लीज रागिनी से क्लियर करो कि तुम उस दिन उससे क्या कहना चाहते थे। स्वरा, रागिनी को अभी कैसे? लक्ष्य अभी नहीं तो कभी नहीं कह पाओगे। रागिनी मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था, पर उस दिन मैंने जो कुछ भी कहा वो एकदम सच था। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। वैसे भी रागिनी तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, तुम सिर्फ अपने जैसे अच्छे लड़के के साथ ही खुश रह सकती हो, मेरे साथ कभी नहीं। तुम्हें मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी, पर रागिनी यही सच है। रागिनी प्लीज मुझे भूल जाओ, प्लीज मुझे भूल जाओ, प्लीज मुझे भूल जाओ, प्लीज मुझे भूल जाओ। उस दिन मैं अपने घर अपनी माँ से मिलने गया था, क्योंकि माँ की तबीयत खराब थी, ना कि हमारे रिश्ते की बात करने। रागिनी हमारा रिश्ता कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तारे को ना कहने के बाद लक्ष्य हमारे पास आया था, हमारे से कह रहा था रागिनी को इतना दुख पहुंचा है, उसे तकलीफ दी है, पर क्या करूं, जब तक ये दो परिवार ना मिल जाते हैं तब तक रागिनी और अपने रिश्ते की बात आगे कैसे बढ़ा सकूं? लक्ष्य ने थारे को यही कहा ना कि ये रिश्ता जोड़ने से बेहतर होगा ये रिश्ता टूट जाए, सिर्फ इसीलिए ताकि थारा दिल ना टूटे। लाडो अगर वो थारे से शादी ना करना चाहता तो अपनी मर्जी से घर क्यों जाता? वो तो घर खुद छोड़कर आया था, वहां को वापस जाने की क्या जरूरत थी? अपनी माँ को इस रिश्ते के लिए मनाने गया है वहां।
थारी दादी माँ थारे को विश्वास दिला रही है रागिनी कि लक्ष्य के साथ थारा ब्याह करके रहेगी। दादी माँ ने हमसे झूठ बोला स्वरा, हमें धोखा दिया।